Experience the thrill of DSL 9 live and exclusive only on A-Sports. और अब हमारी दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में तब्दील हो रही है, तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लाशारी अपनी बेपनाह दौलत के बलबूते पर अपनी बेटी का रिश्ता तो कहीं पे भी निभा सकता है, लेकिन अपने हमपल्ला लोगों में बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से आपकी याददाश्त जो है वो कुछ कमजोर पड़ गई है, वरना आप मेरी पोजीशन को इस तरह ना भूल पाते। अमजद परेशान मत हो, हम दान गए बात करने, वो उन्हें समझा देंगे। मुझे इसी बात का खतरा था, इसीलिए बार बार कह रहा था कि अपनी औलाद को संभालो। लेकिन तुम्हें तो बड़ा मान था ना। वो लड़की बहुत एरोगेंट है, सीधे मुंह रजा से बात भी नहीं करती। अगर अभी उसका ये हाल है तो आगे जाके क्या करेगी अमजद? जो कुछ भी है तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, और ये मत भूलना कि तुम्हारी अपनी औलाद जो है वो इतनी ही नकचढ़ी है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे बच्चे ना ऐसे सबके सामने ना बेइज्जती नहीं करते लोगों की। हाँ, तुम्हारी औलाद तो भरी महफिल में नाक कटवाने की माहिर है ना। डैड प्लीज अब बस भी करें, इन सब बातों का क्या फायदा है? आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? समझाओ अपने डैड को, फंक्शन चल रहा है, ये कोई माहौल या मौका नहीं है। क्या हुआ? रजा से बात हो गई मेरी। क्या 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 वजह बता रहा था वो, क्यों किया ये? कुछ ऐसा नहीं है जिसपे रजा को कसूरवार ठहराया जाए, बस उसको गिला है आप लोगों से कि आप उसकी बात नहीं समझते। बेटा बस कल लाशारी साहब को मना लें किसी तरह, प्लीज, फिर कोई मुश्किल नहीं। I think मुझे जाना चाहिए, ठीक है? कल ऑफिस में आपसे मुलाकात होगी। मैं हमदान को सी ऑफ करके आती हूँ। नहीं तुम बैठो, इट्स ओके। कोई बात नहीं, जाने दो उसे। Thank you.
थिंक तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। किस बात की जल्दी है इतनी? आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आज मैं कैसी लग रही थी। तुम हमेशा ही प्यारी लगती हो, कोई नई बात तो नहीं है। अगर आज तो अलग दिन है ना, बहुत खास हम दोनों के लिए। पहले ही रजा और नताशा की वजह से सारा फंक्शन खराब हो गया। अब कम से कम आप तो अपना मूड खराब करके नहीं जाएं और कुछ अच्छा सा कह दें। तुम्हें वाकई मेरी तारीफों की जरूरत है? पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है कि तुम बहुत प्यारी हो। अगर मेरी दुनिया तो आप हैं हमदान, मुझे भला दुनिया से क्या सरोकार। ये क्या पटरंग कहते हैं इसको? इसको मोहब्बत कहते हैं, मगर आपको क्या पता। पर खैर, अब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरे पास लाइसेंस आ गया है। अब मैं खुद आपको सब सिखा दूंगी। एक मिनट रुक। कहते हैं मोहब्बत में कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, इंसान खुद ही सीख जाता है। मगर कुछ आप जैसे अनाड़ी लोग भी होते हैं जिन्हें जबरदस्ती सिखाना पड़ता है, वरना वो हाथ नहीं आते। I think मैं निकलता हूं, तुम्हारे इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं मुझे। ठीक है, I'll see you tomorrow. ऐना, हमदान, मैं यहां हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ है? वो मैं अंधेरे से डर गई थी इसलिए यहां पे आ गई। कमाल है, मेरा हाथ पकड़ो, आओ इधर मेरे साथ। डरने वाली क्या बात है यार, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। आओ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं। चुपके से ये मुझसे
आग जाने दे कैसी है क्यों नहीं किया? आपने स्पेशल डे था ना, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कमाल है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, खुद मुसीबत में मुब्तला हो गई। मतलब जो कॉल कर लेती क्या फर्क पड़ता है? मैंने रमजानी को कॉल की थी, उनका फोन बंद था। रमजानी अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है मेरे साथ? कॉल करती है, मैं कुछ ना कुछ करके आ जाता। अगर आप आते तो क्या बताकर आते हैं? बस मैं यही सोचकर खामोश हो गई थी। तुम इस चीज की फिक्र कर रही थी, मतलब अपनी कोई परवाह नहीं थी, मैं किसी भी तरह आ जाता। खामखा के डर से तुम्हें कुछ हो जाता तो सारी जिंदगी खुद को माफ ना कर पाता। गलती भी मेरी है, मैं तुम्हें अकेला से छोड़ के गया हूं। आई एम सॉरी हन, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। एना, मैं आइंदा कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्लीज, सॉरी मत बोले, कोई बात नहीं। अच्छा उठो, मैं तुम्हें रूम में छोड़ के आता हूँ। आओ। कल रात जो भी हुआ है ना, वाज वेरी एम्बैरेसिंग। डैड पूरी रात सो नहीं सके। मॉम, आप भी मुझे कल रात वाली हरकत पर ब्लेम कर रही हैं। मेरे ब्लेम करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे शहर में तमाशा मच गया है। अब प्लीज आगे जाके कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना तुम। अगर आप वाकई चाहती हैं कि मैं मजीद कुछ गलत ना करूं, तो मुझे लाशारी हाउस जाने पर मजबूर मत कीजिए। आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड। कल रात से लाशारी ना खफा बैठा हुआ है, तुम्हारे डैड का फोन भी नहीं उठा रहा। अगर तुम वहां जाके सॉरी कर देते हो और उन्हें मना लेते हो तो कोई हर्ज तो नहीं है बेटा। हर्ज है मॉम, गलती उनकी बेटी ने की है, सबके सामने भरी महफिल में मुझे थप्पड़ मारा, सुधारेगी भी वो। बेटा ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, यू हैव टू हैंडल देम विद केयर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्हें बचाने के लिए ना छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं बेटा। तो कुर्बानी हमें देने की क्यों जरूरत है? वो लोग क्यों नहीं दे सकते ये कुर्बानी? अगर उनमें अकल नहीं है तो इसका मतलब तो नहीं है ना कि वी कांट बी सेंसिबल। तुम जाके मिलाओ, इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा। यू नो व्हाट मॉम, आई कांट इवन रिकॉग्नाइज यू, मुझसे आप पहचानी भी नहीं जा रही, इतनी इतनी हेल्पलेस। वो क्या कहते हैं उर्दू में, लाचार और बेबस, ऐसी तो नहीं थी मेरी माँ। आई एम नॉट लाचार एंड बेबस, आई एम बीइंग इंटेलिजेंट, समझदारी की बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे फ्यूचर का सोच रही हूँ बेटा, प्लीज। नहीं मॉम, आपका बेटा इतना पाहिज नहीं कि उसको ऐसे सारे की जरूरत पड़े। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई एम सॉरी। इनकार करने से पहले बेटा ये समझ लो कि ये मेरा हुक्म है, अगर तुमने ये हुक्म ना माना तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, फिर मैं चला जाता। हाँ जरूर जाओ, माँ को साथ ले जाओ।
ताकि ये याद रहे तुमको कि इस उम्र में इसको बेघर करने वाले तुम हो। What the hell? Raza. आप कब आए? मैं कहीं गया ही नहीं। क्या मतलब आप सारी रात सोए नहीं? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि तुम कहीं डर ना जाओ, इसलिए फिर यहीं बैठ गया। सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? आपको मेरी वजह से सारी रात जागना पड़ा। तो ऐसी बात पे कौन सॉरी करता है? मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने दिल से किया है। अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा ख्याल रखना। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं, वहीं नाश्ता भी कर लेंगे। क्यों? सब कुछ बता दूं, सरप्राइज। सही है? देखो बेटा, अगर हमें एहसास ना ना होता तो यहाँ पे आते ही क्यों? रजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों से माजरत करने आए। ठीक है अंकल, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि रजा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते कैसा लगता है। कौन है भाई? कौन? अरे आप खैरियत? सुबह सुबह? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। वो अम्मा और उस्मान मरी गए ना एक हफ्ते के लिए, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास वक्त है, मैं अपने भाई के साथ गुजार। अरे तो आइए ना, आइए। हाँ बिल्कुल आपा, नाश्ता करते हैं दोनों बैठ के। अरे हाँ, ये याद रखना कि मैंने नान चने खाने हैं नाश्ते में। ठीक है आपा। फटाफट लेकर आओ, मैं आपदा से कहती हूँ चाय बनाती। मैं अभी लेके आया। और हाँ एक बात और, आज दफ्तर से छुट्टी करनी होगी, दोनों बहन भाई बैठ के बातें करेंगे। जैसा आप कहेंगे। आपदा, आपदा।
अमजद तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है मुझे उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। मेरी बेटी बहुत हर्ट हुई है और उसके आंसुओं ने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये फैसला। कैसी बातें कर रहे हो लाशारी, इतनी छोटी सी बात पे भी कभी कोई नाराज हुआ? इसलिए कि वो झूठ नहीं बोलती और आपके बेटे की ये हरकत नाकाबिले मुआफी है। अगर मुझे आपका लिहाज ना होता तो मैं इसे जिंदा गाड़ देता। अंकल ऐसी भी क्या बात होगी, मैंने खाली हाथ पकड़ा है उसका। बेटा बड़े बात कर रहे हैं तुम। हाँ खाली हाथ ही पकड़ा था लेकिन उसकी इजाजत के बगैर। ये हरगिज छोटी बात नहीं है। इस घर में मेरी बेटी की इजाजत के बगैर चिड़िया पर भी नहीं मार सकती और तुम हाथ पकड़ने की बात कर रहे हो। देखो लाशारी, मैंने रजा को बहुत डांटा है, उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं आप लोगों से माजरत करने के लिए। बच्चा है, माफ कर दीजिए, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। अगर मुआफी मांगनी है ना तो नताशा से मांगे, क्योंकि जिंदगी आप लोगों के साथ नताशा ने गुजारनी है। ठीक है, आप नताशा बेटी को बुलाइए, जैसे वो मुतमईन होती हैं वो करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। गरे नताशा को ले आओ। जी। अमजद साहब इस तरह घर नहीं चलते, इज्जत करनी पड़ती है खवातीन की। यस डैड, आपने बुलाया? हाँ बेटा, रजा और उसके पेरेंट्स तुमसे माफी मांगना चाह रहे हैं। तो इनको इनकी गलती का एहसास भी होता है क्या? देखो बेटा, अगर हमें एहसास ना होता तो यहाँ पे आते ही क्यों? रजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों से माजरत करने आए। ठीक है अंकल, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि रजा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते कैसा लगता है। हाँ क्यों नहीं, रजा हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग। पर डैड। बेटे अगर नताशा की खुशी इसी में है तो माफी मांग लेना। What's the harm? I'm sorry. कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मजा नहीं आया, हाथ तो जोड़े ही नहीं तुमने। पहले हाथ जोड़ो, फिर नजरें झुकाओ और फिर चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी लेकर आओ और फिर बोलो कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी नताशा। कम ऑन। अगर नताशा की यही ख्वाहिश है तो तुम क्या कर रहे हो बेटे? मांग लो माफी, बात खत्म करो। हाँ माफी मांगो ना, हाथ पकड़ सकते हो और माफी नहीं मांग सकते, मांगो। शाबाश। मांग रहा है, मांग रहा है लाशारी, इसको थोड़ा सा वक्त दो ना।
एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। That's like a good boy. आइंदा अपनी औकात याद रखना। अमजद, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। हाँ, अब तो खाना तो खा के जाएं। नहीं नहीं, दशहरी खाना नहीं, बस संतो। क्या हुआ, थक गई हो? हाँ, थक गई हूँ, सर में भी दर्द हो रहा है। चाय मिलेगी? मैं पता करता हूँ। अब आप क्यों जा रहे हैं अकेले? मैं रूम में क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ। तुम बैठो, तुम थकी भी हो, बाद में चली जाना, उस वक्त पूछ के आप। ठीक। बदतमीज लड़की है, खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि रजा हाथ जोड़ के माफी मांगे। अरे, उस लड़की ने तो आपका और मेरा लिहाज भी नहीं किया। अमजद, देखो, लाशारी साहब ने उसको लाडों में पाला है, अगर लाशारी साहब की खुशी के लिए माफी मांग ली तो कौन सी आफत आ गई। सॉरी अमजद, लेकिन लाशारी को दामाद नहीं, एक पेट चाहिए जो उनके कहने पे ना नाचता रहे। अरबों रुपए की मालिक है, अकलौती बेटी है उनकी, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। वाह, आपने अपने असूल तो बड़ी जल्दी बदल दी हैं। अगर मेरी बेटी भी होती ना, और हमदान की जगह कोई और होता, तो मैंने इनकार कर दिया होता। एक तो मैं गारंटी कर सकती हूँ, रजा ना बहुत दिन ना ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने उसका इंतजाम कर रखा है। वो क्या? अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। बस तुम रजा पे प्रेशर रखो कि किसी गलत बात की वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए और हम ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको मिस कर जाएं किसी तरीके से। जब पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम हो क्या? चाय पीना है।
देर सो गई हूँ। कहाँ रह गए? बैग या फोन? परेशान होने की और ज़्यादा बावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हारा हुक्का पानी तुम्हें टाइम से मिलता रहेगा। और मत भूलो कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम आज़ाद हो, मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही है, इसलिए कमरे से बाहर कदम निकालने की कोशिश मत करना। तो ना याद रखना, मुझे तारीफ दोहराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारा नया फोन देख लो। थैंक यू, लेकिन आप मुझे कोई सस्ता सा फोन ले आते, इसको वापस कर दें प्लीज। क्यों सस्ता ले लेता? अब ले चुका हूँ। मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता, आप इसको चेंज करके कोई सादा सा ले लें। इसको क्यों चेंज करा लूं मैं? और जहां तक चलाने की बात है तो मैं सिखा दूंगा। अब ले चुका हूँ, आई हैव पेड फॉर इट। देख लो इसको। पहली कॉल किसको करोगी ये बताओ। मैंने भी सोचा नहीं। कोई दोस्त नहीं बनाया तुमने कभी? दोस्त तो है, लेकिन मेरे पास किसी का नंबर नहीं है और घर में फोन कर नहीं सकती। तुमने कहा था घर से फोन आया था तुम्हारी अम्मी का? हाँ, बस वो अब्बू ने एक धमकी ऐसे दे दी थी कि अगर मैंने दोबारा उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अम्मी को छोड़ देंगे, बस फिर हिम्मत नहीं हुई मेरी। तो उन्होंने भी कॉल नहीं किया? नहीं, शायद उनको मेरे बगैर रहने की आदत हो गई। मेरी गलती इतनी बड़ी थी जिसकी माफी मुमकिन नहीं है। काश के माँ बाप अपनी बेटियों पर एतबार करना सीख लें। खैर, एक काम करते हैं,
वैसे मैंने कभी सेल्फी ली नहीं, लेकिन इस फोन से पहली तस्वीर मेरी और तुम्हारी होनी चाहिए जो हम महफूज कर लेंगे हमेशा के लिए। सही है, एक सेल्फी लेते हैं। बिस्मिल्लाह। I like the phone. Thank you for everything. अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात, लेकिन अगर वाकई थैंक यू करना चाहती हो तो उसका एक और तरीका है। वो क्या? वो ये कि उदास होना छोड़ दो। जब तुम उदास होती हो ना तो मैं भी उदास हो जाऊं। आप क्यों उदास होते? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं भी तलाश कर रहा हूँ। मैं भी एक सवाल का जवाब तलाश कर रही हूँ। और वो क्या है? नहीं, बदकिस्मती का। प्लीज ना, बदकिस्मत नहीं हो तुम। बदकिस्मत तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम पे एतबार नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं पाए। बदकिस्मत तो रजा है जिसे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन बुरा तो मेरे साथ ही हुआ ना। क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तुम्हें मैं नहीं दिखाई देता? जो मैं तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम्हें वो सब बेमानी लगता है? तुम खोखले रिश्तों में सब कुछ तलाश कर रही हो। बहुत अफसोस होता है जब तुम ये बातें करते हो। नहीं हमदान, आप मेरे लिए कहें, आपको नहीं पता, आपने तो मुझे जिंदगी को नए तरीके से जीना सिखाया है। देखो ऐना, मेरी बात गौर से सुन। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देखना चाहता, हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। कभी आंसू नहीं देखना चाहता तुम्हारी आंखों में। अगर तुम दोबारा उदास हुई तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा हमेशा के लिए। आई स्वेयर। तुम वादा करो उदास नहीं होगी तुम? मैं वादा करती हूँ कि मैं खुश रहूंगी, बहुत खुश। पक्का वादा? पक्का। अच्छा मैं तुम्हें इससे कुछ चीजें डाउनलोड कर देता हूँ। गेम खेलती हो? नहीं खेली तो अब खेल लेना, एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है मेरे पास। ठीक है। DSL 9 live and exclusive only on A Sports.